हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसी सब कुछ चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इसके वजह से ये वीडियो लाया हूँ। इधर आप देख लीजिए, सबसे पहले मेरा सलिया जो है थोड़ा लंबा है, और इधर उससे पहले एक बात बता देता हूँ, देख लीजिए मेरा एक पाइप आया है लेकिन इधर होल बहुत बड़ा है, इसी की वजह से ये वीडियो बनाया है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके दबा लीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और देख लीजिए इधर जो है बाथरूम के अंदर पहले पाइप आ रहा था, मतलब दो तीन पाइप एक साथ आ रहा था, अभी मैं सलिए निकाल दिया, ये पेपर अभी इधर लगाना है, उसके बाद मतलब नीचे सीलिंग से फ्लाई लगा दिया, उसके बाद जिधर जितना होल है उधर पेपर लगा कर फिर ये करूँगा। तो इधर जो है बाथरूम के अंदर पूरा तीनों पाइप आ रहा था, मतलब पानी का इसका कासा दोरी में लपेट के, उसके बाद बाथरूम में डिज़ाइन थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसकी वजह से फिर चेंजिंग हो गया। तो इस साइड में सलिया कटिंग करके लगा दिया, आप देख सकते हो, और इसमें आपको ड्रिल करना पड़ेगा और बहुत सारा चीज़ बताऊंगा क्यों सलिया लगाए, नहीं तो फिर आपका क्या प्रॉब्लम होएगा, इसमें क्या हो जाता है। और रेती सीमेंट इधर बनाऊंगा, फिर माल लगाऊंगा, आप लोगों को बता देता हूँ। इधर देख लीजिए सलिया मेरा रेडी हो चुका है। अगर ऐसा आप भी काम करते हो, यानी अगर कभी आप होल करते हो फिर आपका मतलब पाइप चेंजिंग हो जाता है, तो आप कभी भी ऐसे ही डायरेक्टली फ्लाई देकर नीचे से जाम मत करिए बड़ा होल में, आपको एक साइड मिनिमम ड्रिल करके आपको सपोर्ट करके सलिए देना पड़ेगा। ओके, अब देख लीजिए पहले डोगा बनाना पड़ेगा आपको, यानी जो सीमेंट और पानी और केमिकल जो होता है उसमें मिक्स करके आपको ऐसे ही डोगा बनाना पड़ेगा, और उसमें मारना पड़ेगा जिधर आपका ये है, क्योंकि ये जो है आपका लीकेज बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ओके, अब ये रहा स्टोन की, तो डोगा पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप माल बनाना पड़ेगा, फिर आपको जाम करके भी दिखाऊंगा इसमें और बहुत सारा चीज बताऊंगा इसमें। देख लीजिए इसमें आपको मसाला बनाते वक्त इसमें भी आपको केमिकल देना पड़ेगा, ओके, क्योंकि केमिकल से ही आपका जो है थोड़ा मजबूती होता है, उसमें पानी नीचे नहीं जाने का सपोर्ट करता है। और आपको मैं एक वीडियो भी बनाया था जो अगर कोर कटिंग होल होता है तो कैसे उसे जाम करते हैं, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर से भी आप जाकर देख सकते हो। और इसका आउटसाइड का भी आपको लाइन दिखाऊंगा, इधर पहले था वो तो मैं दिखा नहीं पाया, जो पहले लाइन था उसकी वजह से होल हो चुका है, और उसे जाम करने का तरीका है आप सलिया देकर हमेशा करिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, सलिया अगर नहीं दोगे तो आप उसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगा जो आपका कभी भी क्रेक हो सकता है, उधर से लीकेज हो सकता है। अरे मसाला तगाड़ में बना रहे हो, कोई बात नहीं, ये है रॉक केमिकल, यानी केमिकल देकर थोड़ा पानी देकर उसमें मिक्स करके सीमेंट और रेती वेती देकर फिर जाम करना पड़ेगा। तो ऐसे मत जाम करो, रुको रुको, ऐसे नहीं, पहले आपको सिस्टम लेना पड़ेगा। अब मसाला ढीला है ना क्या, देख लो, अगर ढीला है तो पतला पतला से जाम करना पड़ेगा, लेकिन रुको एक मिनट, ऐसे ऐसे मत दो, आपको पहले सूखा कर लेना पड़ेगा, इतना ढीला चलेगा नहीं, एक मिनट, पहले थोड़ा सूखा कर लो हल्का सा एक साइड में। हाँ, मसाला बना रहे हो या सब्जी बना रहे हो, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, पहले इसलिए सूखा बनाना पड़ता है क्योंकि आपका जिधर जिधर होल दिखता है हल्का हल्का नीचे, हल्का सा, ज़्यादा सूखा मत बनाइएगा, मतलब पूरा सूखा माल नहीं चलेगा, पहले जिधर होल होल दिखता है यानी जो ढीला माल देंगे आप उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इधर इधर जितना भी होल दिखता है हल्का हल्का दे दीजिए। ओके, उस होल में थोड़ा सा जिधर जिधर दिखता है आप पूरा सेम वैसे ही कर दीजिए, होल जितना जिधर आपका दिखता है, इधर एक होल है, हाँ, आप उसके बाद पूरा ढीला ढीला माल बनाकर ढाल सकते हो, कोई क्रैक व्रेक नहीं होएगा। ओके, आप जो नीचे सूखा है वो इसका ऊपर का जो आप ढीला माल डालोगे पूरा पतला पतला, वो ऑटोमेटिकली वो पानी उसमें खींच लेगा और वो भी अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। ओके, उसके बाद आप जाम कर दो अच्छे से, और इसमें पाइप में ठोक भी सकते हो, यानी जो पाइप में वाइब्रेट देते हैं वो दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि
नॉर्मली स्लैप है, इसकी वजह से अगर आपका ऐसा कोई ऐसे जगह में हो उसमें आपको पाइप में वाइब्रेट देना पड़ेगा, यानी आड़ में अगर आपका पाइप होल होकर जाता है उसमें आपको वाइब्रेट देना पड़ेगा, पाइप में हल्का सा मतलब कन्निक हो थापी क्या बोलते पता नहीं उसे, मतलब थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा। ओके, ये अभी सलिए से थोड़ा ये कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोग लाइक करना हमेशा भूल जाते हो। और उसके बाद आपको नीचे का लाइन दिखाऊंगा। चलिए ये फ्लाई है, फ्लाई को निकाल देता हूँ, आप इसका फिनिशिंग मैं दिखाता हूँ। मतलब हल्का सा तो आपको फिर भी फिनिशिंग करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपका जो जाम होता है पूरा स्ट्रांग हो जाता है, अच्छा होता है। ये देख लीजिए पूरा कितना मस्त हुआ है। इस सब निकाल के फिर आपको जो जो मसाला लगेगा वो जाम करना पड़ेगा, उस सब मैं निकाल दिया देख सकते हो। उसके बाद ये मेरा आउटसाइड का लाइन रहा, जो पहले उधर से स्ट्रेट बाथरूम के अंदर से जा रहा था तो कैंसिल हो चुका है। अब ये मेरा आउटसाइड का लाइन है और एक टॉयलेट वाला है, और बाजू में रेनोडर का लाइन है, और टॉयलेट वाला लाइन में जो 3 इंच का है वो एयर पाइप है, और बाकी गर्म ठंडा का लाइन है। वीडियो जरूर लाइक करिएगा, और असिस्टेंट सब ऊपर बैठे हैं, इस भाई के लिए भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।